अब तो भैया टाटा वालों को तो ऐसे आदत सी हो गई है कि मतलब सेफ्टी रेटिंग में लाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार रेट लगाने हैं और भैया इससे नीचे हमें नहीं लाने। तो मतलब कि कहने का मतलब है टाटा मोटर्स की जो न्यू फेसलिफ्ट आई थी, टाटा सफारी और टाटा हैरियर, दोनों ही गाड़ियों ने जो है 5 स्टार रेट गेन करे हैं। लेकिन इस बार खुद के ही भारत का NCAP जो है वहाँ पर इनका टेस्ट हुआ था। ये बहुत बड़ा प्राउड का मूवमेंट बनता है कि भैया अपने ही भारत है के NCAP में इनका टेस्ट हुआ, दोनों गाड़ियों ने जो है 5 स्टार रेट गेन करे हैं। मतलब ये दो गाड़ियाँ जो पहली गाड़ियाँ बनी हैं जिन्होंने 5 स्टार रेट गेन करे हैं भारत NCAP में। दूसरी बात, आपने स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हो, मतलब एक बंदे को तो आप अच्छे से जानते हो जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं नितिन गडकरी जी, इनको तो आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन ये दूसरे जो जिनको अवार्ड मिल रहा है, ये भैया शैलेश चंद्रा जी हैं, MD हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के, जो कि भैया मतलब कि जिनको अवार्ड दिया जा रहा है भारत NCAP की तरफ से। तो ये तो हो गई चलो अवार्ड की बात, सेफ्टी की बात कि 5 स्टार रेट गेन करे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन टाटा सफारी और टाटा हैरियर में क्या ऐसे सेफ्टी फीचर आते हैं जो कि भैया इनको 5 स्टार लाके ही दे रहा है? तो चलो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लेरिफाई हो जाए कि भैया दोनों गाड़ियों में कौन कौन से ऐसे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। पहले बात करेंगे हम टाटा सफारी के बारे में। तो टाटा सफारी में आपको सबसे पहले तो भैया इसमें आपको 7 एयरबैग्स प्रोवाइड करे गए हैं। एडवांस इसमें ESP मिलता है विद 17 फीचर्स के साथ। एमरजेंसी कॉल, ब्रेकडाउन कॉल भी इसमें आपको प्रोवाइड करी गई है। और अगर नीचे जाएं तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है विद ऑटो होल्ड ऑप्शन के साथ। दूसरा, इसमें आपको 360 सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम मिलता है जो कि नॉर्मली सभी गाड़ियों में प्रोवाइड कराया जाता है। 3.ELR सीट बेल्ट मिल जाती है इसमें आपको। पीछे की तरफ फॉर ऑल पैसेंजर विद रिमाइंडर भी मिलता है, ये भी अच्छा फीचर है। मतलब कि आपको जब मतलब कि आपकी सीट बेल्ट ना लगे हो तो रिमाइंड कर देता है वो। हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। और नीचे जाएं तो इसमें आपको ADAS मिल जाता है। तो ADAS में आपको क्या मिलता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है, और भैया ऑटोनोमस एमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाती है। दूसरा, इसमें आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिल जाती है, और आपको रियर कोलिजन वार्निंग भी मिल जाती है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन भी मिल जाता है, और आपको लास्ट में इसमें हाई बीम असिस्ट भी मिल जाता है। तो लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिल जाती है सेफ्टी में, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाता है, और भाई आपको इसमें मिलता है लेन चेंज अलर्ट भी मिल जाता है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी इसमें आपको मिलता है, डोर ओपन अलर्ट भी इसमें आपको मिलता है। मतलब ये फीचर इंटरेस्टिंग है यार, ये डोर ओपन अलर्ट वाला ना, पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो आपको अलर्ट कर देगा पहले ही। तो ये कुछ यार इसके सेफ्टी के फीचर हैं टाटा सफारी के जो कि इसमें आपको मिलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा हैरियर के साथ कि भैया हैरियर में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं सेफ्टी में। वैसे तो टाटा हैरियर में भी आपको लगभग सेम ही फीचर आते हैं सेफ्टी में, लेकिन कुछ चीज़ें जो है चेंज हैं। अब इसमें भी आपको 7 एयरबैग्स प्रोवाइड करे गए हैं। इसमें भी आपको एमरजेंसी कॉल मिलता है, ब्रेकडाउन कॉल भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसमें दिया है। दूसरा, इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे कि आपको बताया। और इसके नीचे जाएंगे तो ADAS मिल जाएगा। ADAS में क्या आएगा वो भी बताते हैं आपको। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें मिल जाते हैं, ऑटोनोमस एमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे कि सफारी में आते हैं, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सेम वही चीज़ है, रियर कोलिजन वार्निंग भी मिल जाती है। इसमें आपको ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन भी मिल जाता है सेम वही चीज़, हाई बीम असिस्ट वही जो कि सफारी में भी आपको मिलते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिलती है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, और इसमें आपको लेन चेंज अलर्ट भी मिल जाता है सफारी वाले फीचर, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डोर ओपन अलर्ट, मतलब कि लगभग सफारी वाले फीचर ही इसमें आपको दिए हुए हैं। मतलब वही सेम फीचर हैं, वही सेम चीज़ें हैं जो कि सफारी में आपको मिलती हैं, है ना। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, लगभग आपको सेफ्टी वाले वही फ़ीचर मिलते हैं जो कि सफारी में मिलते हैं। अगर कुछ अलग से मिलता होगा तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो कि भैया ये चीज़ इसमें अलग से मिलती है। बाकी आपको बताना है कि भैया कौन सी गाड़ी, वैसे तो दोनों ही सेफ्टी गाड़ी हैं, दोनों ही सेफेस्ट गाड़ी हैं भारत की, दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम फीचर मिलते हैं। तो ऐसे बताने वाली बात तो है नहीं कि कौन सी बढ़िया है कौन सी नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं। फिलहाल तो तुम ये बता दो कि भैया वीडियो कैसी लगी। बाकी
चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही था, बाय बाय।